दिस इज लेसन नंबर 3 ऑफ डिफरेंशिएशन। इस लेसन में हम सेकंड डेरिवेटिव जो है वो और स्टेशनरी पॉइंट्स को देखते हैं। सेकंड डेरिवेटिव्स, सेकंड डेरिवेटिव्स एंड स्टेशनरी पॉइंट्स, ये देखें सेकंड डेरिवेटिव का क्या रोल है इधर स्टेशनरी पॉइंट के लिए। तो ये सेकंड डेरिवेटिव से हमें नेचर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट का पता चलता है। नेचर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है? आइदर द स्टेशनरी पॉइंट इज मैक्सिमम और मिनिमम, ये नेचर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट के लिए यूज होता है सेकंड डेरिवेटिव। नेचर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट तो इसके लिए मैं आपको दो एग्जांपल्स से एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज के हमारे पास इस किस्म का एक कर्व है, एक्स वाई प्लेन में एक कर्व है हमारे पास, दिस इज अ कर्व, दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑन दिस कर्व, तो ये देखें यहाँ पे कंसिडर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द कर्व पासिंग थ्रू ए मैक्सिमम पॉइंट। देखें यहाँ इधर हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, पॉइंट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ देखें इस अलोंग के लाइन के अलोंग ग्रेडियंट की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि कहीं भी टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो अक्यूट एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, तो उसको ग्रेडियंट इज पॉजिटिव। यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट लेते हैं तो उसका ग्रेडियंट जो है हमें ज़ीरो मिलेगा। यहाँ पे टेंजेंट बिकम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ग्रेडियंट इज ज़ीरो। व्हेन वी मूव फर्दर स्टेशनरी पॉइंट से डाउनवर्ड जाएंगे तो हमारा ग्रेडियंट जो होगा वो नेगेटिव होगा। यहाँ राइट साइड पे स्टेशनरी पॉइंट के राइट साइड पे हम जब टेंजेंट लेके ग्रेडियंट फाइंड करेंगे वी विल गेट नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ देख रहे हैं आप डी वाई द ग्रेडियंट डी वाई ऑफ डी एक्स स्टार्ट्स एज अ पॉजिटिव वैल्यू, डिक्रीजेस टू ज़ीरो एट द मैक्सिमम। ये मैक्सिमम पॉइंट को हम स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। ये पॉइंट जो है यहाँ मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, यहाँ ये स्टेशनरी पॉइंट है, दिस पॉइंट इज स्टेशनरी पॉइंट। द ग्रेडियंट डी वाई ऑफ डी एक्स स्टार्ट्स एज अ पॉजिटिव वैल्यू, डिक्रीजेस टू ज़ीरो एट द मैक्सिमम पॉइंट एंड देन डिक्रीजेस टू अ नेगेटिव वैल्यू। यहाँ मैं लिख देता हूँ, द ग्रेडियंट starts as a positive value and decreases to zero
at the maximum point. And then decreases to a negative value. Negative value. तो ये देखें, since dy over dx decreases as x increases, ये देखें जब x increase हो रहा है तो dy over dx जो है वो decrease हो रहा है. Since dy over dx gradient decreases as x increases, देखिए x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है अलोंग x एक्स देखेंगे तो पॉइंट मूव कर रहा है तो x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. सिंस dy over dx decreases as x increases, this shows that rate of change of dy over dx gradient का rate of change है that is negative. तो इसको हम लिखेंगे rate of change of y, वो उसको लिखेंगे d over dx rate of change of gradient with respect to x. This shows that d over dx, इसका मतलब है कि rate of change with respect to x of gradient, dy over dx का rate of change of x जो है इसको ऐसे लिख लेंगे. तो ये है rate of change of dy over dx with respect to x. तो इसको यूं लिख लेते हैं डबल डेरिवेटिव की फॉर्म में, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इज कॉल्ड द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. यहाँ से ये डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर जो होगा ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो यहाँ से हमें एक रूल मिला है, वो रूल ये है कि दिस शोज दैट इफ ग्रेडियंट ज़ीरो हो और डबल डेरिवेटिव जो है नेगेटिव हो, लेस देन ज़ीरो मीन नेगेटिव, देन द पॉइंट इज़ मैक्सिमम. आप देख लें वो कर्व के ऊपर पॉइंट मैक्सिमम बनता है जब ये सिचुएशन होती है. देन द पॉइंट इज मैक्सिमम, मैक्सिमम पॉइंट होगा वो. तो ये एक रूल बन गया है कि जब भी डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो वो पॉइंट मैक्सिमम होगा. तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ. तो इसी तरह एक और केस है जहाँ पे ये डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है, उसके लिए भी मैं डायग्राम बनाता हूँ एक्सेस में. ये देखें यहाँ पे भी उसी तरह की एक डायग्राम बना रहा हूँ. अब ये डायग्राम यूं बनेगी, मिनिमम पॉइंट होगा उस पर, मिनिमम पॉइंट शो कर रहे हैं हम,
this is the point, minimum point. So in the same way, now consider the point moves from left to right. I think from point ki movement from left to right hai along the curve passing through a minimum point. ये देखें साइड पे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है पॉइंट. तो यहाँ पे जो इस साइड पे हमें लाइन बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रा करके उसका ग्रेडियंट फाइंड करेंगे तो यू विल गेट नेगेटिव, बिकॉज ये टेंजेंट लाइन वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ. तो यहाँ पे मिनिमम पॉइंट पे टेंजेंट लेंगे तो उसका ग्रेडियंट ज़ीरो होगा, क्यों ये टेंजेंट जो है बिकम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस. और मिनिमम पॉइंट से नेक्स्ट मूव करेंगे तो वो टेंजेंट लेंगे तो दैट हैव ग्रेडियंट पॉजिटिव, क्योंकि वो लाइन टेंजेंट जो है एक्यूट एंगल बनाएगी. ये सिचुएशन है. अब इसके लिए भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड द ग्रेडियंट्स डी वाई बाई डी एक्स ग्रेडियंट डी वाई बाई डी एक्स स्टार्ट्स एज ए नेगेटिव वैल्यू increases to zero at the minimum point and then increases to a positive value. तो आप देख रहे हैं कि ये ग्रेडियंट नेगेटिव था लेफ्ट साइड से राइट को मूव कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से शुरू मूव कर रहे हैं, वो पॉइंट मूव कर रहा है तो वो ज़ीरो पे आएगा, दैट इज़ मिनिमम पॉइंट. इसको भी स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं. तो फिर वो ग्रेडियंट पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है. तो सिंस डी वाई बाई डी एक्स इंक्रीजेस, देखें डी वाई ओवर डी एक्स इंक्रीज हो रहा है एज एक्स इंक्रीजेस. सिंस डी वाई ओवर डी एक्स इंक्रीजेस एज एक्स इंक्रीजेस, ये देखें एक्स की वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं तो डी वाई ओवर डी एक्स इंक्रीज हो रहा है. देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स then the rate of change of dy over dx, rate of change of dy over dx is positive. So this shows that यहाँ से भी एक हमारे पास रूल बन गया है. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स को फिर से हम यूं लिखेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स, ये डबल डेरिवेटिव बन जाता है. तो यहाँ फिर उसी तरह पहले की तरह ये रूल बन गया कि if dy over dx gradient is zero then and double derivative
डी स्केयर वाई और डी एक्स स्केयर इज़ पॉजिटिव, पहले में था नेगेटिव अब है पॉजिटिव. देन द पॉइंट इज मैक्स मिनिमम पॉइंट, अब देख रहे हैं कर्व से. देन द पॉइंट इज अ मिनिमम पॉइंट. तो ये आपके पास एक रूल बन गया कि अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव हो तो वो पॉइंट मिनिमम होगा. यहाँ से डी वाई डी एक्स को ज़ीरो रख के हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वो डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे. इफ़ द आंसर इज़ पॉजिटिव देन द पॉइंट इज़ मिनिमम. तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ.